ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मॉब लिंचिंग में हमारे देश में न जाने कितने बेगुनाह नौजवान मौत के घाट उतार दिए गए हैं। कभी गौ हत्या के नाम पर तो कभी चोरी के शक में एक भीड़ जमा होती है और वो भीड़ पीट पीट कर जय श्री राम तो जय हनुमान बोलने को मजबूर करती है और भीड़ द्वारा ऐसी पिटाई की जाती है कि उसकी मौत हो जाती है। तबरेज़ अंसारी एक नौजवान जो ईद की छुट्टी में अपने गांव गया था और इसी साल के अप्रैल महीने में उसका विवाह भी हुआ था। सिर्फ और सिर्फ बाइक चोरी के शक में तबरेज़ अंसारी को पीट पीट कर जय श्री राम बुलवाया गया, जय हनुमान बुलवाया गया और उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हर धर्म के लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार है। तबरेज़ को जिस गांव में पीट पीट कर मार डाला गया, क्या उस गांव में किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की? जी हाँ, भारत देश के कभी वो गांव हुआ करते थे जहां हिंदू मुस्लिम सभी एक दूसरे के सुख और दुख में साथ देते थे और आज भारत के उसी गांवों में किसी बेगुनाह को जय श्री राम जय हनुमान बुलवा कर पीट पीट कर मार डाला जाता है। तबरेज़ के लिए अब जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। मुमरा में दारुल फलाह मस्जिद के सामने भी जुमा के नमाज के बाद लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया। लोगों ने काली पट्टी बांधकर दुआ मांगी और अपना विरोध भी जताया, पर सवाल बरकरार है कि भारत में धर्म के नाम पर इसी तरह मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आती रहेंगी? कभी राम के नाम पर तो कभी गौ हत्या के नाम पर भीड़ का शिकार होते रहेंगे। कई बार मॉब लिंचिंग की घटनाओं के आरोपियों को नेताओं द्वारा फूलमाला पहनाकर स्वागत करते हुए भी देखा गया है। भारत देश किस तरफ जा रहा है, आज ये सोचने की बेहद ज़रूरत है। जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं उससे आपकी आने वाली पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा और सरकार को मॉब लिंचिंग जैसे घटनाओं पर ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। हमारा देश धर्म के नाम पर मकड़ी के जाल में उलझता जा रहा है और ये मकड़ी के जाल बहुत खतरनाक है, जिसे हमें और आपको समझने की बेहद ज़रूरत है और सरकार को इस मॉब लिंचिंग जैसे घटना पर एक कड़ा कानून बनाने की ज़रूरत है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।